हेलो एवरीवन, मैं हूं शबनम और आपका मेरे चैनल जगजायका में इस्तकबाल है। आज मैं आपके लाई हूं शामी कबाब रोल की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। खाने में टेस्टी तो होती ही है, साथ में बनाने में बहुत ही आसान होती है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। चलिए अब हम आटा गूंथ लेते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल गेहूं का आटा लिया है और आधा बाउल मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ। और आप चाहें तो केवल मैदे से भी बना सकते हैं या सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं, या इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से थोड़ी सी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं। यहाँ मैं नमक डाल रही हूँ 3-4 टेबल स्पून। यहाँ मैंने 4 छोटे चम्मच तेल लिया है, रिफाइंड ऑयल लिया है, आप चाहे तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं रिफाइंड ऑयल इसमें डाल देती हूँ। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करते हुए नॉर्मल पानी से हम आटा गूंद लेंगे। आटा गूंदते हुए हमें ध्यान रखना है कि आटा हम ज़्यादा टाइट नहीं गूंदेंगे, नॉर्मल आटा गूंदेंगे। ये देखिए हमारा डो तैयार हो गया है। मैंने इसको सॉफ्ट डो तैयार किया है, आपको इसका सॉफ्ट डो तैयार करना है। आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है और मैंने यहाँ 3 लोई बना ली है। लोई आप अपने हिसाब से बड़ी या छोटी बना सकते हैं, जितना बड़ा आपको पराठा चाहिए हो। थोड़ा सा हम आटे में रोल करते हुए इसको थोड़ा सा फैला लेंगे हाथों की हेल्प से। यहाँ मैंने थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर दिया है ताकि हमारा जो पराठा है वो चिपके नहीं। इसको हम बेल लेते हैं। आप चाहें तो पराठा किसी भी साइज या शेप का बना सकते हैं। मैं पहले एक आपको चकोर पराठा बना रही हूँ। ये मैंने एक रोटी की साइज का इसको बेल लिया है। अब इसमें हम ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, आप चाहें तो देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसको हमने चकोर बना दिया है। अब इसको थोड़ा सा हम आटे में कोट करते हुए इसको चकोर पराठे बना लेंगे। गैस की फ्लेम को हम ऑन कर लेते हैं ताकि हमारा तवा भी अच्छे से गर्म हो जाए। इसको आप जितना पतला चाहे उतना बेल लें। ये देखिए हमारा चकोर पराठा तैयार हो चुका है। अब यहाँ तवा भी हमारा गर्म हो चुका है। अब इस पर हम अपना पराठा जो है वो अच्छे से क्रिस्प होने तक सेक लेते हैं। जब तक मैं यहाँ दूसरी लोई भी ले ली है, दूसरा पराठा ही बना लेती हूँ। चलिए देखिए हमारा पराठा एक साइड से अच्छे से सिक गया है। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम ही रखा है। अब मैं हमें ब्रश की हेल्प से ऑयल लगा लेती हूँ, आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। पराठा कभी भी हमें हाई फ्लेम पे नहीं सेकना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे सेकने से हमारा जो पराठा है वो क्रिस्प नहीं होता है। अब इसके हम साइड चेंज कर देते हैं और दूसरी साइड भी हम ऑयल लगा लेते हैं। आप चाहें तो चम्मच की हेल्प से भी ऑयल लगा सकते हैं। अब इसे हम दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्प फ्राई कर लेते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। हम चम्मच से अच्छे से दबा दबा के सेकेंगे ताकि जो हमारा जो पराठा है वो चारों साइड से अच्छे से क्रिस्प फ्राई हो जाए। ये देखिए हमारा एक साइड से जो पराठा है वो अच्छे से सिक गया है। अब दूसरी साइड से भी हम अच्छे से सेक लेते हैं। ये देखिए हमारा एक पराठा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए हम सारे पराठे ऐसे ही तैयार कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कबाब पराठा रोल बना के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे सारे पराठे तैयार हो गए हैं। ये मेरा लास्ट पराठा फ्राई हो रहा है। चलिए इस पराठे को भी अब निकाल लेते हैं और इसी तवे पे हम शामी कबाब भी फ्राई कर लेते हैं। शामी कबाब की जो रेसिपी है वो आपको ऊपर आई बटन में भी दिख रही होगी और लिंक में भी मौजूद है। आप उसी रेसिपी को फॉलो करके शामी कबाब बना सकते हैं। ये मैंने ओवल शेप के बनाए हैं, आप चाहें तो गोल शेप के ही बना सकते हैं। अब ब्रश की हेल्प से हम इस पर तेल लगा देते हैं और दोनों साइड से इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। चलिए देखिए एक साइड से अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसके साइड चेंज कर देते हैं और दूसरी साइड से भी इसे गोल्डन अच्छे से फ्राई कर देंगे। दोनों साइड से उलटते पुलटते हम इसे गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए शामी कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। चलिए अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और उसके बाद आपको सर्व करके बताती हूँ। ये देखिए हमारे कबाब भी तैयार है, पराठे भी गर्मा गर्म तैयार हैं। और यहाँ मैंने हंकर्ड ली है, इसमें पानी बहुत कम है। ये जो हमें दही लेनी है वो पानी वाली नहीं लेनी है, हमें केवल हंकर्ड लेनी है। और यहाँ मेरी धनिया पुदीना की चटनी है, इसमें धनिया पुदीना और मिर्ची मिक्स है। और यहाँ मैंने प्याज के लच्छे तैयार कर लिए हैं। चलिए अब इसको हम डिश आउट करते हैं। यहाँ हम एक पराठा लेंगे। सबसे पहले हम धनिया पुदीना की चटनी में ही थोड़ी सी दही मिक्स कर लेते हैं। यहाँ मैंने धनिया पुदीना की चटनी में 2 चम्मच दही में डाल दी है, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये चटनी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है, इसको हमें पराठे में अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अगर आप कम मिर्ची खाते हैं तो चटनी में कम मिर्ची डालिएगा, ये चटनी कम लगाइएगा। ये देखिए मैंने पराठे में अच्छे से स्प्रेड कर ली है चटनी और दही का मिक्सचर को। अब इसमें हम कबाब रख देते हैं
कबाब को थोड़ा सा फैलाते हुए रखते हैं। ये देखिए मैं दो कबाब रख दी है इसमें। अब इसमें मैं प्याज को थोड़ा लच्छी में डाल देती हूँ। प्याज ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालिएगा, वरना स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन प्याज इसमें क्रंची फ्लेवर देती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसमें मैं थोड़ा सा नींबू डाल देती हूँ, नींबू से इसका टेस्ट और दुगना हो जाता है। अगर आपको पसंद है तो डालिएगा, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। चलिए अब इसका हम रोल बना लेते हैं। और ये देखिए हमारा एक रोल तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम बाकी के रोल भी तैयार कर लेते हैं। इसे आप चाहे तो बच्चों के टिफिन में या इवनिंग स्नैक्स में या खाने में बहुत ही अच्छे टेस्टी लगते हैं। और यदि आपने देखा ये कितनी जल्दी झटपट घर में तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप मेरी नई नई रेसिपीज को फॉलो करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलिए जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ।